भाई चन्नू ने जो कल कर दिया, वाओ मैन वाओ, दिस इज व्हाट यू कॉल डोमिनेंस, शियर ब्लडी डोमिनेंस, आयरन लेडी है बॉस। मैं कहता हूं जनाब बहुत बहुत मुबारक है उन माओं को, उन वालदैन को, उन भाइयों को, उन बहनों को, उस मुल्क को, उस कौम को जिसने ऐसे बच्चे पैदा किए हैं, ऐसे हीरे पैदा किए हैं। जब आपका नेशनल एंथम बनता है रिजवान, आयरन लेडी, आयरन लेडी एक और बिंदिया रानी जिन्होंने एक और इंडिया के लिए मेडल जीता। तो वेट लिफ्टिंग वालों ने तो इंडिया का को ऊपर रख दिया मेडल टैली के अंदर, 4 मेडल्स कल उन्होंने जितवा दिया, दोनों लड़कों ने मेडल जितवाए, दोनों बंदियों ने मेडल जितवाए। के कॉमनवेल्थ गेम्स के क्रिकेट इवेंट में पाकिस्तान विमेन टीम आज भारत से सामना होगा। वो भी रो पड़ी बच्ची जब नेशनल एंथम बजा। हम साई मुल्क की अगर हम बात करें तो हर गेम को सपोर्ट करते हैं, हर इवेंट को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। कहता तुम्हारा हाथ कैसा है, और ये जो सिल्वर है ये गोल्ड से बहुत कीमती है, तुम्हारा हाथ इसमें जख्मी हुआ है। Absolute. तो भाईजान ये होती है कौमें, भाई चन्नू बिंदिया रानी दी एब्सोल्यूट आयरन रेडीज, लेकिन मीरा भाई चन्नू इनके कोई करीब नहीं आया 49 केजी के। ये छोटा सा क्लिप देखा, यहां पर बात हो रही है भारत की परफॉर्मेंस जो स्टार्ट हो चुकी है कॉमनवेल्थ गेम में। आपने देखा होगा, हालांकि मैंने क्रिकेट को फॉलो किया है, उसके अलावा दूसरे गेम्स को फॉलो नहीं किया था, लेकिन अब क्रिकेट को भी फॉलो नहीं कर पाऊंगा ऑब्वियसली, इतना टाइम नहीं रहता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत स्कोर वगैरह देख सकते हैं आप। तो जो मीरा बाई चानू हैं जिन्होंने आपको याद होगा ओलंपिक्स में भी मेडल जीता था, अब यहाँ पर सीधा गोल्ड से शुरुआत की है भारत की, जो पॉइंट्स टैली में पहला गोल्ड आया है इन्हीं की तरफ से आया है। हालांकि आज बहुत सारे मेडल आए हैं, और अभी मैं लेटेस्ट आपको अपडेट दूंगा तो शायद ये वीडियो देखते देखते आपको शायद और भी मतलब मेडल दिख जाएंगे, तो आप चेक कर सकते हैं जाकर। तो दोस्तों भारत कॉमनवेल्थ गेम में खेलता है, कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में आपको छोटी सी जानकारी दे दूं, जो भी कंट्री ब्रिटिश इंडिया के अंडर में थी वो कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो आप समझ सकते हो अब इसमें ऑस्ट्रेलिया एक रहेगा, इंडिया रहेगा मतलब जो डोमिनेट करेंगी, उसके अलावा इंग्लैंड रहेगा जो डोमिनेट करेगा, बाकी तो मेरे हिसाब से इंडिया को इसमें टॉप पे आना चाहिए। आपको क्या लगता है प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को पूरा देखते हैं और आपको बताएंगे इंडिया टॉप पे कब रहा। बहुत हाथ जख्मी होने के बावजूद रिजवान हैदर साहब उसने सिल्वर मेडल और 1 किलोग्राम से 3 मेडल जीता, इंडिया तीनों के तीनों वेट लिफ्टिंग में जीता। सही है, लेकिन लेकिन रिजवान साहब उस बच्चे को हार्ट साफ है, और इनके प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी साहब उनको भी जनाब सलूट है कि उन्होंने फौरन फोन किया ना सिर्फ संकेत को, उसको कहा कोई बात नहीं, वो ब्रेक डाउन हुआ टीयर्स में, उसे कहता है तुम्हारा हाथ कैसा है, और ये जो सिल्वर है ये गोल्ड से बहुत कीमती है, तुम्हारा हाथ इसमें जख्मी हुआ है। Absolute. तो भाईजान ये होती है कौमें जो आगे, हम सिर्फ जनाब अपने स्पोर्ट्स बोर्ड के 10, पीओए के 20, 5 रेलू कट्टे, 3 फलाने, 4 फलाने, और इस तरह 40 लोगों का स्क्वाड, 4-5 प्लेयर होते हैं, उन प्लेयरों को घर वाले नहीं जानते, बैंड एथलीट्स जो मुल्क और कौम का नाम जो है वो बदनाम करते हैं उन्हें पीओए ऑफिशियल चमचे कड़चे बना के ले जाती है, ये आपके घर में होता है। तो मैं कहता हूं जनाब बहुत बहुत मुबारक है उन माओ को, उन वालदैन को, उन भाइयों को, उन बहनों को, उस मुल्क को, उस कौम को जिसने ऐसे बच्चे पैदा किए हैं, ऐसे हीरे पैदा किए हैं। जब आपका नेशनल एंथम बनता है रिजवान, उसकी फीलिंग कोई हमसे पूछे जब हम कवर करने जाते हैं, चाहे हमारे बच्चे उसमें सिल्वर ले लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, लेकिन रिजवान साहब ये फीलिंग अल्फाज में, वो भी रो पड़ी बच्ची जब नेशनल एंथम बजाया। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि वो कई टाइटल्स या सिल्वर है या गोल्ड है या ब्राउन्ज है, ये होती है विनिंग मेंटेलिटी, ये विनिंग मेंटेलिटी मां की गोद से आती है, ये विनिंग मेंटेलिटी आपके जब आपका मुल्क का वजीर आजम चीफ एग्जीक्यूटिव जो होता है वो सारे काम साइड में रखता है, फोन उठाता है, हाँ मैं बेटा शाबाश मेरे बच्चों जा रहे हो वेरी वेल। मुझे बताओ आपका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक खेलों से आई होती है कि हमारे जो एथलीट्स होते हैं वो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और आके फिर जो कमाल करते हैं, धमाल करते हैं। कल मीरा बाई चन्नू ने
हम क्योंकि कल यहाँ लाइव वॉच अलॉन्ग कर रहे थे दूसरी अपनी स्ट्रीम के साथ, और आखिरी 20 मिनट पहले मैं छोड़ के गया था कि बॉस ये गोल्ड मेडल बहुत दूर दूर से लग रहा है कि मीराबाई चन्नू किसी को करीब नहीं आने देगी, और मीराबाई चन्नू ने जो कल कर दिया, वाओ मैन वाओ, दिस इज व्हाट यू कॉल डोमिनेंस, शियर ब्लडी डोमिनेंस। आयरन लेडी है बॉस, आयरन लेडी, आयरन लेडी। एक और बिंदिया रानी जिन्होंने एक और इंडिया के लिए मेडल जीता, तो वेट लिफ्टिंग वालों ने तो इंडिया का को ऊपर रख दिया मेडल टैली के अंदर, 4 मेडल्स कल उन्होंने जितवा दिया, दोनों लड़कों ने मेडल जितवाए, दोनों बंदियों ने मेडल जितवाए। संकेत आपके लिए सिल्वर लेकर आए, गुरु राज आपके लिए ब्रॉन्ज लेकर आए, मीराबाई चन्नू गोल्ड लेकर आई, बिंदिया रानी सिल्वर लेकर आई, मीराबाई चन्नू बिंदिया रानी दी एब्सोल्यूट आयरन रेडीज। लेकिन मीराबाई चन्नू इनके कोई करीब नहीं आया 49 केजी कैटेगरी के अंदर। जब इन्होंने अपना पहला स्नैच राउंड में लिफ्ट किया, 12 केजी का डिफरेंस था इनका, 12 केजी का, 12 केजी किसी भी अपनी सेकंड ओपोनेंट से, जो कि मारिया थी मॉरिशियस की, उनसे सेकंड जो इनकी ओपोनेंट थी, 12 केजी का स्नैच में डिफरेंस। फिर जब ये आई क्या कहते हैं क्लीन एंड जग राउंड के अंदर, वहां इन्होंने इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया, और मजीद के मीराबाई चन्नू के कम्युलेटिव जो टोटल टैली किलोग्राम्स की कम्युलेट हुई 201, वो इटसेल्फ एक कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड है। और 49 कैटेगरी के अंदर कल जब मैं मीराबाई, एक तो यार बड़ा बड़ी जबरदस्त, एक बड़ी हम्बल नेचर की कोई खातून है वो, कि कल जब वो बात कर रही थी तो ऐसा लग ही नहीं रहा था यार, गॉड डैमिट, ये वो बंदी है जिसने इंडिया को अभी टोक्यो ओलंपिक्स 2022 जो 2021 में हुआ था, सब बिल्कुल उदास हो चुके थे, कोई मेडल की उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, एकदम से मीराबाई चन्नू एक मेडल जीत के लाती है, और फिर उसके बाद मेडल टैली के अंदर इंडिया के मेडल्स उतरना शुरू हो जाते हैं। गोल्ड कोस्ट में भी ऐसे ही हुआ था, और कल रात को भी ऐसे ही हुआ कि इंडिया का पहला गोल्ड मेडल, ऑल्दो मेडल्स की शुरुआत तो संकेत ने कर दी थी, लेकिन जो इनिशियल पहला गोल्ड मेडल था जिसकी नजर सबके ऊपर लगी हुई थी, वो मीराबाई चन्नू लेकर आए। और एक तो हम्बलनेस ही आपको वहां उस मुकाम तक पहुंचाती है, लेकिन कल हम्बलनेस से हटके अगर देखें कि, तो जाने से पहले मैं एक इनका इंटरव्यू देख रहा था, उधर इन्होंने बोला था कि मेरा जो मुकाबला होगा वो सिर्फ अपने आप से होगा, और कल मीराबाई चन्नू ने वो करके भी दिखा दिया, कल जो इनका मुकाबला था वो सिर्फ अपने आप से था, वो किसी और ओपोनेंट से नहीं था, मे बी इनकी नजर वो यहाँ कम्पीट नहीं कर रही थी, वो यहाँ सिर्फ अपनी प्रैक्टिस कर रही थी, इनकी मेन नजर जो मेरी हम्बलनेस में मुझे दिखी वो पेरिस 2024 के अंदर है। तो अगर ये इनका प्रोग्रेशन इसी तरह चलता रहा मीराबाई चन्नू को, और जितनी 49 कैटेगरी में इनका डिफरेंस था अपनी दुनिया भर की कॉमनवेल्थ नेशंस की ओपोजिशन से या ओपोनेंट से, तो ये बात तो आप रख लीजिए कि पेरिस 2024 में अगर कोई आप गोल्ड की वैसे इनसे उम्मीद रखें, अगर ये गोल्ड भी नहीं लेकर आती तो आपको टॉप 3 के मेडल टैली पे जरूर लेके जाएंगी। तो एक तो इंडिया अपना यहाँ से मेडल को जरूर सिक्योर करके रखे पेरिस 2024 के लिए, आगे क्या होता है क्या नहीं होता, किसको इंजरी होती है क्या नहीं होती, लेकिन अगर इनकी प्रोग्रेशन इसी तरह चलती रही तो मीराबाई चन्नू ताली बनती है इनके लिए, क्या कमाल परफॉर्मेंस दिखाई। उसी के साथ बिंदिया रानी की भी बड़ी कमाल परफॉर्मेंस आई, बिंदिया रानी ऑल्दो वो भी गोल्ड, मतलब वो भी गोल्ड अपने नाम कर सकती थी अगर स्नैच के अंदर, मुझे लगता है क्योंकि देखिए मीराबाई चन्नू खैर उनका तो कोई। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपको बताया मैंने कि कॉमनवेल्थ गेम्स का मतलब क्या है, कॉमनवेल्थ गेम्स का मतलब है जो भी कंट्री ब्रिटिश राज मतलब जो रॉयल ब्रिटिश आर्मी थी या रॉयल ब्रिटिश जो भी साम्राज्य था उसके अंडर में दुनिया में बहुत सारी कंट्री आती थी। आपको पता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यहाँ से म्यांमार, फिर अफ्रीका, नीचे ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारी कंट्री, मतलब यार ब्रिटिश एम्पायर तो शायद दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर रही होगी अगर मैप के हिसाब से देखा जाए तो, लगभग इन्होंने हर जगह पर ही कब्जा कर लिया था। तो उसके अंतर्गत जो भी कंट्रीज़ आती हैं वो कॉमनवेल्थ गेम्स खेलती हैं। ये डाउट मेरा बड़े मतलब बचपन में मुझे पता नहीं चलता था क्या होता, फिर पता चला मुझे कौन कौन सी कंट्रीज़ में खेलती हैं। एशियन गेम्स होते हैं, हालांकि मैं बताना चाहता हूँ एशियन गेम कॉमनवेल्थ गेम्स से टफ होते हैं। एशिया गेम्स टफ क्यों होते हैं एशियन गेम्स, क्योंकि उसमें चाइना पार्टिसिपेट करता है जो कि ओलंपिक में एक बहुत तगड़ा मतलब तगड़ा खेलता है। आपको भी पता है चीन क्रिकेट या फुटबॉल तो नहीं खेलता है लेकिन वो ओलंपिक्स में जो होने वाले गेम्स उनको काफ़ी तगड़ा खेलता है। तो एशियन गेम कॉमनवेल्थ गेम्स की अपेक्षा टफ होते हैं। अब कॉमनवेल्थ गेम में आप देख सकते हो इंडिया ने जब ये गेम्स भारत में हुआ था तो उस टाइम पे भारत नंबर 1 पे था। तो उम्मीद करता हूँ कि यार ये कॉमनवेल्थ गेम में की ट्रैली में इंडिया को नंबर 1 आना चाहिए यार, तभी मतलब आप ओलंपिक्स में बहुत ज़्यादा मेडल ला सकते हो। क्योंकि आप
कॉमनवेल्थ कंट्रीज में अगर नंबर वन पे हो तो फिर ओलंपिक्स में आप ला सकते हो सकता है इंडिया क्रिकेट में मेडल दे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ हम बहुत करीबी मैच हारे थे। इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को मतलब क्रिकेट में मेडल मिलना चाहिए। क्रिकेट में मतलब जो कंट्रीज़ हैं पूरी खेल रही हैं, आप देखें तो पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, श्रीलंका, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, सारी कंट्री है। तो मतलब ये क्रिकेट का एक प्रकार से वर्ल्ड कप ही चल रहा है, लेडीज़ का T20 वर्ल्ड कप मान लें आप। देखते हैं कौन जीतता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको ये वीडियो